तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं हिसार शहर की। मैं चाय पी रहा था मलिक चौक के ऊपर, जहां पे डॉक्टर कमल गुप्ता निकाय मंत्री हरियाणा का रेजिडेंस है, और अचानक देखता हूं कि बहुत सारी मोटरसाइकिल आती है, नीले झंडे लगाए हुए, नीले पटरिक्के डाले हुए। तो देखता हूं कि उनके हाथों में कुछ सामान, कुदाली जिससे गड्ढा खोदते हैं, वो भी नज़र आती हैं। एक भीम आर्मी का नेता भी बड़ी सी कुदाली लेकर के डॉक्टर कमल गुप्ता निकाय मंत्री हरियाणा के घर के सामने आता हुआ दिखाई देता है। पता नहीं आज क्या करने वाले हैं ये भीम आर्मी के लोग, और बहुत सारे नारे भी लगाते हुए नज़र आते हैं। चलो दिखाते हैं आज का पूरा ये वीडियो, जिसके अंदर क्या होता है। तो मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज। इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं निकाय मंत्री कमल गुप्ता के घर के बाहर की, जहां पे भीम आर्मी के लोग और कुछ ये जो कार्यकर्ता जो है मिल गेट रोड को पक्का करने को लेकर के, मांग को लेकर के, वार्ड नंबर 9 की एक आंगनबाड़ी को शिफ्ट करने के मामले को लेकर के यहाँ पे आज खड़े हुए हैं। और देखिए आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय ये देखिए पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, और गाड़ी भी आ चुकी है, एक पुलिस की गाड़ी अभी अभी आई है, और यहाँ पे भी कर लेते हैं इनसे। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे, किस बात पर आज जो हाथ में गेंती लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? और पता क्या है, हमें पीछे कुछ दिन पहले भी कहा था, कमल गुप्ता के पीए को भी बोला और वीडियो को भी बोला, एक्शन को भी बोला, सबको बोला, लेकिन किसी ने भी नहीं इसके ऊपर सुध लेने की कोशिश करी। एक दिन हमने जब घोषणा कर दी तो ये पहुंच गए, वहां पे पानी छिड़काव करा, बुलडोजर पहुंचा, जेसीबी पहुंची, लेकिन एक दिन पहुंचने के बाद में वहां पे कोई नहीं दिखा। हमें आश्वासन देके गए कि इसको जब तक पक्का नहीं हो जाता तब तक इस रोड को हम समतल कर देंगे और बिल्कुल बराबर कर देंगे, ताकि आने जाने वाले को नुकसान ना हो। अब वहां पे तो आप भी जाते हो, ये पुलिस वाले भाई खड़े हैं, ये भी जाते हैं वहां पे, तो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना सर। वहां पे इस रोड की हालत ऐसी है कि कोई डिलीवरी के लिए कोई महिला जाए ना तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती, इतनी हालत उसकी रोड की खस्ता है। वहां पे आप देखो देखो पेड़ों के ऊपर इतनी धूल जमी है, लोगों का अस्थमा हो गया है। अब हमारी कोई अलग से मांग थोड़ी ना है, मांग तो ये है कि वहां के लोगों का जीना दुभर हो रहा है, और मेल गेट रोड को पक्का कर दो, पक्का हो जाएगा तो हमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा एक मुद्दा हमारी आंगनबाड़ी का है अमन नगर की, वो 4 किलोमीटर दूर है, जबकि कानून ये कहता है कि 500 मीटर के दायरे में वो आंगनबाड़ी वही होनी चाहिए, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर पहुंचा दी। ये बार बार जो प्रशासन के ढकोसले हमारे साथ चल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होंगे, इसलिए हम आज भीम आर्मी के लोग और तमाम साथी गेती लेके आए हैं, बिल्कुल यहाँ पे गड्ढा खोद के जाएंगे। दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि गड्ढा खोदने के लिए आए सर? ये दिखाने के लिए, देखिए एक ही चीज़ होती है सर, ये जो पुलिस वाले साथी हमारे खड़े हैं, मुकदमा दर्ज करेंगे।
अंदर करेंगे। अगर आम जनमानस की समस्या के लिए, आम इंसान के लिए अगर मैं जेल में चला जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है सर। लेकिन बार बार कमल गुप्ता जी को सचेत किया जा रहा है, इनके पी ए जी को, एक्शन को, बी ए डी आर को, एक्शन एस सी को, सबको, सारे के सारे मौके पर अधिकारी आ जाते हैं। हमारे माननीय विक्की भाई जी आओ एक बार। हमने बड़े भाई के नेतृत्व में हमने ये धरना चलाया, विक्की भाई के नेतृत्व में, और इन्होंने भी एक ही बात कही भाई, आम जनमानस की समस्या है। वहाँ पे आम जनमानस रोड पे गुजरता है, डिलीवरी वाली महिला, अगर किसी को सीरियस कंडीशन है तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता। बाकी सारे रोडों को उन्होंने ओके कर रखा है, बस वो 1.9 मीटर का या 1.6 मीटर का जो किलोमीटर का एरिया वो कच्चा छोड़ रखा है। आप बार बार बुलडोजर भेज देंगे सर, बुलडोजर भेज दिया, पानी छिड़काव कर देंगे, पानी छिड़काव कर दिया, जब तक हम वहाँ पे बैठे रहे तब तक बुलडोजर वो जेसीबी वो पानी का टैंक वहीं पे खड़ा रहा, उसके बाद हमारे जाते उछले गए सर। प्रदीप बानकर जी, आप आंदोलन कर रहे हैं बहुत दिनों से वहाँ पे, और भूख हड़ताल पे भी आपका एक एक व्यक्ति बैठता रहा है, और अब आपका आंदोलन का हिस्सा है कि आप गड्ढा खोदने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या मंत्री के आगे, घर के आगे बिल्कुल गड्ढा खोद पाएंगे? सर देखिए, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम एक आम इंसान की, जनमानस की समस्या का समाधान करने के लिए खड़े हैं। जिन लोगों ने वोट देके कमल गुप्ता को बनाया है ना, तो ये कमल गुप्ता जब कुर्सी पे बैठ गया तो उन लोगों को ये भूल चुका है जिन लोगों के वोट से बना हुआ है। आप समझ के देखो सर, जनता के पास बीच में जा जाके इन्होंने कहा था कि मैं हर वार्ड में, 20 वार्ड है, हर वार्ड में एक एक महीने के अंदर जरूर चक्कर लगाऊंगा, आम जनमानस की समस्या को सुनूंगा, आम जनमानस की अगर समस्या है तो उसको पूरा करने का काम करूंगा। जब से ये उस पर कुर्सी पर बैठे हैं सर, उसके बाद ये भूल गए हैं कि आम जनता भी इस देश के इस शहर के अंदर रहती है, बल्कि इनके पास में इतनी पावर है कि वो रोड एक दिन में पक्का हो सकता है। हमने वहाँ पर धरना दिया, हमारी कॉल होगी कि वो आएगा, मुख्यमंत्री खट्टर साहब आएंगे। हमने उस दिन एक बड़ी कॉल ली, या तो भाई खट्टर साहब आएंगे तो हम भी उनको काले झंडे दिखाएंगे, हम चाहे रोडों पे बैठना पड़े, रोडों पे पड़ना पड़े, हम पीछे हटेंगे। उनका किसी कारण से पता नहीं कैंसिल किया, क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद में हमारे पास में ये सीआईडी के भाई आते हैं कि हमने आपकी बातें वहाँ तक पहुँचा दी है, आपकी बातें मान ली जाएगी और ये एक्शन हो जाएगा सरकार की तरफ से। सर कोई एक्शन नहीं हो रहा सर, जब तक एक्शन नहीं होगा तो सर फिर ये गेती चलेगी यहाँ पे। सर हमारे साथ संतलाल अम्बेडकर भी जुड़े हुए हैं, इससे तो खुदेगा नहीं, ये गड्ढा बहुत मजबूत बनाया हुआ है। सर आप खड्डा खोदने का हो सर, आपने पहाड़ खोद दिए 15 किलोमीटर लंबे, आप तो खड्डा खोदने की बात कर रहे हो। ये मजदूर के हाथ है साहब, मजदूर इस देश के अंदर दिहाड़ी मजदूरी के लिए नहीं खड्डा खोद, सबसे ज़्यादा खड्डा खोदे तो मजदूरों ने खड्डा खोदे हैं। ये मंत्रियों की तो ई भी माकत हुई है बीजेपी सरकार के अंदर कि रोडों को पर खड्डा खोदने लगे, लेकिन हम खोदने नहीं देंगे। ये आपने मेल गेट पेरिस की सड़क देखी होगी ना साहब, वो मेल गेट का खड्डा खोदने का माननीय कमल गुप्ता जी ने काम किया है, बीजेपी सरकार ने खड्डा खोदने का काम किया है। या तो आज की डेट में खड्डा पूर्णा शुरू करें, नहीं तो हम लोग ये खड्डा आज खोद के जाएंगे, चाहे पुलिस उठाए, केस लगाएं। यहाँ पर खड़े हैं तो इसका मतलब कुदाली ले रहे हैं तो इसका मतलब चला नहीं सकते, चला सकते हैं साबे, फोड़ सकते हैं इसको, आप फोड़ देंगे। ये शुरुआत है, ये एक गुदाड़ी नहीं, हजार गुदाड़ी भी लगेंगे इधर, ये रोड भी पड़ा जाएगा, जेसीबी आई भी, बुलडोजर भी आएगा। क्या कमल गुप्ता ये सोचता है कि हम खोद नहीं सकते? आप लोग गलत सोच रहे हो साहब, हम कायर नहीं है, हम डरपोक नहीं है, वोट देकर के आपको जनता की सेवा के लिए बनाया था। आप लोग जाके रेस्ट हाउस में कॉफी और मतलब हीटर के नीचे बैठते हो, चंडीगढ़ बैठते हो, ये जनता जनार्दन है या क्या करेगी साहब? हम कितना दिन तक पूरी ठंडी, जितनी शीत लहर चली है, भीम आर्मी के साथी मिल गेट के निवासी भूख हड़ताल पे सारी ठंड वहाँ पर धरने पर बैठ के निकाली है साहब। आप हीटरों में सीखते हो कब तक काम चलेगा? नहीं, ये गुदाड़ी खोदने के लिए आए हैं जनाब, हमने तो पहाड़ खोदना सीखा है, आसमान में खोद भी डालेंगे साहब। ये तो मंत्री आज आप ज्ञापन देंगे या संकेतिक तौर पे गड्ढा खोदने के लिए? साहब ये जो चीज़ है ना, ये क्या काम करती है, ये मैंने आपको सामने चलाया, क्या काम करती है साहब? खड्डा खोदने का नाम साहब खोद देंगे दोस्तों। पूरा भीम आर्मी, ये इसका पूरा नेतृत्व कौन सा संगठन ले रहा है? भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन हिसार की टीम में भाई विक्की टाक के नेतृत्व में, और हमारे मुन्ना बाल्मीकि और भाई अनिल कुंडू और हमारे अमित जाटव जी के नेतृत्व में ये धरना स्थल चल रहा है। और आज लोग हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारे वहाँ पर खड्डा बुराई का काम नहीं होगा, तो हम इधर शाम तक इधर खड्डा खोद के जाएंगे, वैसे नहीं जाओगे शाम तक? बिल्कुल, बैठे हैं, खड़े हैं, हम खड्डा खोदना शुरू कर देंगे, अब देखते रहो आप। कमल गुप्ता जी का इंतजार कर रहे हैं साहब, कमल गुप्ता जी का इंतजार तो काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो चुका है। ठीक है साहब, हमें खड्डा खोदेंगे, खड्डा खोद के जाओगे, वैसे नहीं जाओगे। ये पुलिस वाले भी खड़े हैं आपके सेवा के लिए, ऐसे साहब पुलिस लगा दी गई फोर्स। क्या करूँ साहब, भीम आर्मी
जो पुलिस की वर्दी है वो हमारी रिस्पेक्ट है, वो हमारी शान है, शौकत है, ये हमारे लिए लगे हुए हैं। हमारी किसी पुलिस के साथ कोई झगड़ा नहीं है जनाब। हमारे तो सत्ताधारी सुखभोगी जो नेता हैं, कमल गुप्ता जैसे, इसार गौतम सरदाना मेयर जैसे, मनोलाल गुप्ता जैसे, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जैसे, डिप्टी सीएम हमारे दुष्यंत चौटाला जैसे, उनके उनके साथ लड़ाई है जनाब। हम तो मेल गेट के तकलीफें लेकर के आए हैं जनाब इधर, लेकिन इस मेल गेट निवासियों की इसार की सुनाई करने वाला इधर कोई नहीं है। मंत्री के आवास के पास भी कोई नहीं है, कोई इस इसार का रुखाड़ा कोई नहीं है, इसलिए इसार की रोडों पे खड्डा खोदे जा रहे हैं जनाब। इसकी कोई सुध नहीं लेने वाला, खासकर मेल गेट लाखों लोगों की कोई सुध नहीं लेने वाला। जब सुध लेने वाला होता है, जब चुनाव आता है, वोट बैंक जरूरत होते हैं, जब उनके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, अदरवाइज उनकी कोई सुध नहीं लेता जनाब। संतलाल जी, उस रोड के कई मालिक हैं, तो असली मालिक का पता चला है कि भाई आप मालिक जिसके घर के आगे खड़े हैं माननीय मंत्री कमल गुप्ता जी, और यहाँ के मेयर गौतम सरदाना जी, और यहाँ के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, मनोहरलाल गुप्ता जी, मनोहरलाल खट्टर जी, ये इनके मालिक है साहब। असली मालिक ये है साहब, ये गुदाड़ी चल रही है ना साहब, असली मालिक ये है साहब, ठीक है साहब। लेकिन हम लोग खुद की जाएंगे जनाब, खुद की जाएंगे। तो दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं माननीय कमल गुप्ता जी, मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय कमल गुप्ता जी के घर के आगे की, जहाँ पे जो तंग हुए लोग हैं, जो रोड बनाने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन करते रहे हैं, और आज एकदम से जो है कमल गुप्ता जी के घर के आगे कुदाली लेकर के पहुंच गए हैं। हालांकि भारी पुलिस बल भी यहां पे मौजूद है, लेकिन ये